हाय, मेरा नाम नसीम है और आज मैं हैप्पीनेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या है हैप्पीनेस? किस समय यह हैप्पीनेस आता है, किस समय जाता है? जब कोई भी काम होता है और हमारा हार्ट खुश होता है, या दिल से हमें खुशी होती है, तो पूरे चेहरे पर मुस्कान आता है। आता है कि नहीं आता? अब दिल कब खुश होता है? जब आप खुद से कोई काम करते हो तो उसका आपको रिजल्ट मिलता है, तब आपका दिल बहुत खुश होता है। वही है हैप्पीनेस। जब आप कहीं शादी में जाते हो या कोई फंक्शन में जाते हो, पहले जाने से आप कतराते हो, पर जाते हो वहां पर और सब लोगों को देखते हो, सबसे बात करते हो। शादी में जाने के पहले आपके अंदर बहुत सारा टेंशन था, मन में बहुत सारा टेंशन था, पर जाने के बाद 10 लोगों से मिलते हो, वो आपके बारे में पूछते हैं, आप पूछते हो, ड्रेसिंग सेंस देखते हो, एक से बढ़कर एक डिशेस खाते हो और गपशप करते हो और सारे टेंशन भुला देते हो, और उस समय जो खुशी आते हैं वही हैप्पीनेस है। खुश रहना चाहिए हमेशा। ये जिंदगी जो है, जिंदगी में टेंशन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप उसी टेंशन को लेकर पूरी जिंदगी भर आपको रोते रहना है या फिर आपको आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी हमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो चीज हमारे पास होती है वो हमें दिखाई नहीं देती या फिर हम देखने की कोशिश नहीं करते, और जो चीज नहीं होती उसे हम देखने की कोशिश करते हैं। यही है कि हमारा सैड और जो है सैडनेस और हैप्पीनेस जो हम ना यही यही पर हम ना डिपेंड करता है। आज हमारा दोस्त जिंदा है, माँ बाप जिंदा है, भाई बहन जिंदा है, सोसाइटी के कुछ लोग जो मुझसे बात करते वो लोग जिंदा है, हमें उसकी कदर नहीं है। जब वो लोग पर्दा कर जाते हैं, यानी वो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तब फिर हम रोते हैं और हम पछताते हैं कि वो साथ में था, उस समय ये हम करते थे, ऐसे घूमते थे, ऐसे बात करते थे, उस समय सारी बात को हम याद करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर यही चीज हम लोग वो चीज ना कर, वो सारा उस तरह का मोमेंट ना आने दे, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा? जो हमारे पास है ना, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन है, दोस्त हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स है, कलीग्स है। हमारे पास एक छोटा सा फोन है, फिर भी हम क्या कहते हैं कि जो भी फोन है हमको लगता है कि सैमसंग का फोन है या फिर वीवो का फोन है या फिर ओप्पो का फोन है, फिर भी हम लगता है कि हमें इससे और अच्छा चाहिए, और इससे और अच्छा पाने के चक्कर में हम पता हैप्पीनेस को खो देते हैं। हम जो चीज हमारे पास है ना, उसे हमें देखने की कोशिश करना चाहिए। उन लोगों को देखो जिनके पास कुछ है ही नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए ठीक से कपड़ा भी नहीं है, एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता उन लोगों को, उनसे देख कर सीखो। क्या आपकी लाइफ या हमारी लाइफ क्या उनसे बुरी है या अच्छी है? देखा जाए तो बुरी है और देखा जाए तो अच्छी है। पता है बुरी क्यों है? क्योंकि वो उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो जीने की कोशिश कर रहा है और जी रहा है। हमारे पास सब कुछ होते हुए हम ठीक से जीने रहे हैं, तो ये तो दुख की बात है। खुशी इस बात की है कि उसके पास कुछ नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है। दुख की बात यह है कि हम पता है उस चीज का इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, उस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इससे कुछ बढ़िया मिले, इससे कुछ अच्छा मिले। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो चीज आपके पास है ना, उसको देखने की कोशिश करें। आपके दोस्त है ना, अगर आपसे किस तरह का तनाव है ना, तो पता तनाव को भुला दें, बात करना शुरू करें। माँ बाप है ना, उसके साथ समय बिताएं, भाई बहन है उसके साथ समय बिताएं, दोस्त है उसके साथ समय बिताएं, हस्बैंड वाइफ के साथ समय बिताएं, वाइफ हस्बैंड के साथ समय बिताएं, रियली देखिए बहुत खुशी मिलेगी। जिम वाले से भागिए मत। अगर आपको ये लगता है कि आप उसके पास जाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं, आप जाइए, ठीक है, प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा ना। लेकिन अगर किसी वजह से आप मुंह बंद करके रखिएगा, यानी उससे दूरी बना कर रखिएगा, तो क्या हैप्पीनेस मिलेगा? पता है खुशियां कहीं और नहीं है, हमारे अंदर है। हम एटीट्यूड और ईगो लेके घूमते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड लेके घूमते हैं जो नहीं होना चाहिए, ईगो लेकर घूमते जो नहीं होना चाहिए। पता है छोटे से बच्चे को देखें, जब छोटे से बच्चे को आप देखते हैं तो कितना खुश हो जाते हैं, उसके मुस्कान को देखकर,
उसके हाथ का मूवमेंट को देखकर, पैर का मूवमेंट को देखकर, उसके गाल को आप छूते हैं ना, उसका चीन को आप छूते हैं, उसके हेयर को आप छूते हैं, छूते हैं कि नहीं, आप उसकी पता क्यूटनेस को देखकर खुश होते हैं। वही क्यूटनेस हर ह्यूमन बींग के अंदर है, बस आप झांकने की कोशिश करो। अगर किसी में अच्छाई है तो बुराई भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है। आप बुराई को देखोगे ना तो आप पता हमेशा नाराज रहोगे, हमेशा उदास रहोगे। आप अच्छाई को देखने को कोशिश करो। मैं बता रहा हूं, जब आप अच्छाई पता है उस तरफ, जब अच्छी अच्छी सोच आएंगे ना आपके अंदर ना, दुनिया की हर चीज आपको अच्छी लगेगी, बुरी नहीं लगेगी, आप किसी से नाराज नहीं होगे, किसी को नाराज होने नहीं दोगे। आप खुशी को आप नहीं ढूंढोगे, खुशी ढूंढते हुए आपके पास आएगी, सारे दोस्त आपके पास आएंगे। सोचो ना, जब सुबह उठते हो आप नाराज रहते हो किसी बात से, तो घर वाले को डांट देते हो, दोस्त यार को डांट देते हो, चेहरे में पता है स्माइल नहीं रहता है, और आप इस तरह बाहर जाते हो, जो भी आपको देखता है बात करने से भी डरता है। लेकिन अगर आप पता है सुबह उठते हो अच्छे स्माइल के साथ, घर में बात करते हो अच्छे स्माइल के साथ, बाहर जाते हो अच्छे स्माइल के साथ बात करते हो, पता है 10 लोग आपसे बात करना चाहते हैं आपके चेहरे के स्माइल को देखकर, आपका चेहरे के कॉन्फिडेंस को देखकर, आपका वो लोगों का इनकरेज, जो आपसे इनकरेज करते हैं ना, वो देखकर लोग आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है पता क्यों? क्योंकि वो कोई पार्टिकुलर डे पे आप उस तरह के स्माइल कैरी करते हो, एनर्जी कैरी करते हो, वही एनर्जी आपको बराबर कैरी करना है। कैरी कैसे करना है? आप जब रात में सोते हो ना, अच्छी सी किताबें पढ़ो, अच्छा सा कोई सीरियल देख लो, अच्छा सा सीरियल देख लो, इससे मूड फ्रेश हो, एक्साइटमेंट आए लाइफ में, कॉन्फिडेंस आए। जब रात में सोते हो ना, उस सपने को रियलाइज करो जो आप बनना चाहते हो, रियली उसी तरह का पता है। आप जब सुबह उठोगे ना, बहुत एनर्जी के साथ उठोगे, और वही एनर्जी पूरा दिन भर बना रहता है, और जो भी काम करोगे आपका काम अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। तो खुशियां कहीं और नहीं है, मेरे ही अंदर है, हमारे ही अंदर है, हमारे चारों ओर है। टेंशन लेना नहीं है और ना ही किसी को टेंशन देना है। जो चीज है ना, उससे खुश रहना सीखें, रियली लाइफ बहुत अच्छी लगेगी। एक बार ट्राई करें आप। थैंक यू।